Hi everyone, this is Ankit and you are watching Tech Life and Beyond. So basically ये जो वीडियो है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि what is the best language, programming language required to get into cyber security या फिर ethical hacking के लिए best programming languages कौन सी है, coding आनी चाहिए कि नहीं, programming आनी चाहिए कि नहीं. तो उससे related ही कुछ myth हैं जिन्हें मैं bust करना चाहता हूँ इस वीडियो में. और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल को कोई लैंग्वेज आए, बट डेफिनेटली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अक्सर काफ़ी काम आती है, क्योंकि हमारा डे टू डे काम ही वही है कि यू डू नॉट हैव टू मेक थिंग्स वर्क, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अब्यूज थिंग्स टू मेक देम वर्क इन अ सर्टेन वे, या फिर उनको कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करिए या एटलीस्ट एप्लीकेशन को समझिए उसके अंदर कुछ फ्लॉ खोजने के लिए. तो जब आप समझेंगे कोड कैसे लिखा जाता है तब आप उस कोड में कमी खोज पाएंगे. तो वैसा कुछ है. तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कौन सी टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मैं सजेस्ट करूँगा. या द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ मिथ एंड अ वेरी ongoing discussion that people have is like what programming languages are best for application security. So according to me, there are two languages that you should be knowing जो आपको बहुत benefit कर सकती है आपकी cyber security journey में, जो कि है JavaScript और Python. Other people might have other opinion, but why I say JavaScript and Python? Now JavaScript is one language which is used for showing a lot of dynamic content on websites. और बहुत सारे ऐसे अटैक सिनारियोज हैं जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट यूज करके दूसरे यूजर्स के क्रेडेंशियल स्टील कर सकते हो, कुकीज स्टील कर सकते हो, आप उनको फॉर्म में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बना के शो कर सकते हो, आप उनकी कोई इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर पे भेज सकते हो जस्ट बाय यूजिंग एंड नोइंग जावास्क्रिप्ट. सो दैट्स वन रीजन आई काउंट जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज दैट विल हेल्प यू. द नेक्स्ट लैंग्वेज इज पाइथन. पाइथन इज काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क दैट इज यूज टू राइट स्क्रिप्ट्स एंड ऑटोमेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं. सपोज आई वांट टू टारगेट अ वेबसाइट से abc.com और मुझे उसके बहुत सारे सब डोमेन्स, व्हेन आई से सब डोमेन्स इट्स लाइक blog.abc.com, ecommerce.abc.com, मुझे ये सारे सब डोमेन फाइंड करने हैं. सो आई कैन नॉट गो हेड एंड कीप गेसिंग ईच एंड एवरी सब डोमेन. सो आई गो हेड एंड राइट अ स्क्रिप्ट इन पाइथन टू बी एबल टू डू इट फॉर मी एज एन ऑटोमेटेड मैनर. तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपना टाइम और एफिशिएंसी बचा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन आर समथिंग दैट कैन हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ साइबर सिक्योरिटी. गोइंग अहेड, व्हेन आई से जावास्क्रिप्ट, सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक डॉम बेस्ड एक्सेसेस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फाइंडिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज, एज आई मेंशन स्टीलिंग कुकीज, right, form manipulation. You can also learn JavaScript from a portal which is like Pentesters Academy. They have basic courses and advanced courses to learn all this, and this is JavaScript for pentesters. I'm not talking about JavaScript as a coding, as a programming, but as in help and aid to pentesters. So I also shared the link inside the presentation. The next thing, Python on the other hand is again, as I mentioned, like for automating tasks and tools to enhance your arsenal. As usual, I like to say, like my channel, subscribe to my channel, and drop in your comments and keep involved, get in touch with me on my all social media channels, and I would be trying to help and motivate you in whichever way possible. Till then, take care. Bye.